हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन की थी एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन क्या होती है और जानदार जो है ऑर्गेनिजम्स वो किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आपने अगर वो वीडियो या वो लेक्चर नहीं देखा तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी, या मेरे चैनल पर जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट विद एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है, दिस वन हाइड्रा, इसको हम देखेंगे कि ये कौन से फाइलम का मेंबर है और कहां पर रहता है, ताकि फिर हमें इजीली अंदाजा हो जाएगा कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हाइड्रा जो है, इट बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। ओके, सो ये नाइडेरिया फाइलम का मेंबर है, और जिस तरह से हम जानते हैं कि नाइडेरिया इज एक्चुअली मॉडर्न टर्म और न्यू टर्म गिवन टू फाइलम दैट इज सीलेंट्रेटा, ठीक है। सो सीलेंट्रेटा जो है इस फाइलम का, नाइडेरिया का ओल्ड नेम है। सबसे पहले इसको सीलेंट्रेटा कहा जाता था, उसके बाद इसका न्यू नेम जो है वो है नाइडेरिया। ओके, सो दिस ऑर्गेनिज्म दैट इज हाइड्रा, हाइड्रा एक्चुअली बिलोंग्स टू दिस फाइलम, वो इस फाइलम का मेंबर है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट लिव्स इन द फ्रेश वाटर। सो हम लिखेंगे, इट लिव्स इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। सो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में सर्वाइव करता है, यानी फ्रेश वाटर में ये जानदार मौजूद होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, इट इज सीसाइल, यानी ये मोटाइल नहीं है, इसमें लोकोमोशन नहीं होती है, ये एक जगह पर फिक्स होता है। सो देयरफॉर वी राइट दैट इट इज सीसाइल ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सीसाइल है। सीसाइल वर्ड का मतलब होता है कि इट इज फिक्स्ड एट वन प्लेस, ठीक है। सो ये एक जगह पर फिक्स्ड रहता है, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म की लोकोमोशन नहीं होती, अंडरस्टैंड। सो नाउ वी विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। फर्स्ट हम हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा करेंगे, उसके बाद हम फिर इसकी एक्सक्रीशन की बात करेंगे कि इसमें एक्सक्रीशन जो है वो कौन सी प्रोडक्ट होती है और किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। सो लेट अस ड्रा द हाइड्रा। So this is a hydra organism. So हम इसको लिखेंगे कि ये जो organism हमारे पास यहाँ पर हमने draw किया है, this organism is hydra. So we write here that it is the hydra. ठीक है, ये hydra है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो hydra organism होता है, This organism actually lives in the fresh water, यानी ये fresh water में मौजूद होता है, so around it there is fresh water, ठीक है, यहाँ पर ये fresh water मौजूद होता है। अब अगर हम इसकी general body के structure की बात करते हैं, तो ये जो hydra होता है, इसके ये बाहर जो है यहाँ पर body से कुछ extensions होती हैं, इनको tentacles कहते हैं। So these extensions are known as tentacles, these are tentacles. And there is a round structure that is present, and this structure is called as mouth. ठीक है, इस structure को mouth कहा जाता है, और इसके अंदर hydra के अंदर ये एक ही actually pore होता है, यानी there is only single opening. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि this is a single opening. ठीक, यानी एक ही opening है,
इट मीन्स दैट हाइड्रालेक्स एनस, इसके अंदर एनस मौजूद नहीं होती। सो वाटर जो होता है वो सराउंडिंग से या माउथ से, फूड वगैरह वो इसी जगह से एंटर होता है, एंड देन आल्सो इट लीव्स फ्रॉम द सेम प्लेस, इसी प्लेस से फिर ये जो है एग्जिट भी हो जाता है। ठीक है, सो यहां पर हाइड्रा के अंदर यहां पर कैविटी मौजूद होती है, दिस होल कैविटी दैट इज प्रेजेंट, इसके अंदर फूड मटेरियल व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज देयर, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके, सो इस कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का नाम दिया जाता है, यानी डाइजेशन वगैरह जितनी भी होती है वो यहां पर होती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, सो जब भी हाइड्रा के अंदर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी, तो फॉर एग्जांपल देयर आर प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, ठीक है, एज वी नो दैट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द अमोनिया। सो NH3 is the gas molecule which is called as ammonia. So hydra के अंदर ammonia बनती है, और ammonia जो है ammonia के form में ही loss हो जाती है, यानी this is lost from the body of the hydra. Hydra की body में जो waste product, जो excretory product are the nitrogenous compound or the nitrogenous waste material is actually what? It is ammonia. Understand? So यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्रिएटरी जो प्रोडक्ट है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन हाइड्रा, जिस तरह से हमने देखा इट इज अमोनिया, सो हेयर वी राइट दैट एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, जिसको हम NH3 बताते हैं। और ये अमोनिया किस तरह से बनती है, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो एक्सक्रीशन के बारे में या उसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में था, हमने वहां पर उसको डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं कि हाउ अमोनिया इज फॉर्म। अंडरस्टैंड, सो यहां पर इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस दैट दिस अमोनिया इज एक्चुअली डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम दिस बॉडी सरफेस, यानी इसकी बॉडी के सरफेस से जो होती है वो अमोनिया डिफ्यूज आउट हो जाएगी। सो इफ द अमोनिया इज फॉर्म्ड देयर, it gets diffused from all the cells, so ultimately ammonia jo hai wo diffuse ho jayegi from the body surface. So general body surface is actually used, so here hum likhenge excretion ya excretory organ ki baat karenge, so hum likhenge it has no specialized ऑर्गन। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होता। अंडरस्टैंड, बट व्हाट हैपेंस दैट थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, हम यहां पर लिखेंगे जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, सो बॉडी सरफेस से क्या होगा कि अमोनिया जो है वो लॉस हो जाएगी, और हमें पता है कि अमोनिया जो होती है वो सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, यानी जब अमोनिया यहां पर बनेगी, जैसे ही NH3 इज प्रोड्यूस देयर, और यहां पर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि इसकी बॉडी के अराउंड जो है यहां पर वाटर में अमोनिया की कंसंट्रेशन कम होगी, सो अमोनिया विल एक्चुअली मूव आउट। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सो दिस इज हाउ दैट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर किस तरह से एक्सक्रीशन होती है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस टेक्स प्लेस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। सो हम यहां पर इसको लिखेंगे दिस टेक्स प्लेस थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगी। और यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को नोट करना बेहद जरूरी है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया होता है, और थ्रू आउट ऑल द बॉडी, क्योंकि इसके सारे के सारे सेल जो होते हैं हाइड्रा के वो कॉन्टेक्ट में होते हैं विद द वाटर, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, देयरफॉर इजीली जो है अमोनिया वो डिफ्यूज हो जाती है। और हमें यह भी पता है कि अमोनिया को डिफ्यूज आउट होने में पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, हमने पहले डिस्कस हम कर चुके हैं।
सो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऑलरेडी फ्रेश वाटर में रहते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर, ठीक है, सो ये फ्रेश वाटर में पहले ही सर्वाइव करते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर देम टू लूज द वाटर. सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, वाटर यानी अमोनिया इज लॉस्ट अलॉन्ग विद वाटर. सो दिस इज हाउ दैट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द हाइड्रा. सो in the next lecture or in the next video we will discuss excretion in plain area. Till then, bye bye, take care and thank you.